Alright, hello. So, aaj hum baat karenge about moving pictures into motion. Hello. So, आज हम बात करेंगे कि हम हमारी still images को motion में कैसे बदलें। Now, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम हमारी जो still images हैं, क्या हो अगर वो videos में free हो जाएं और move करने लगें, और अगर हम उसको rotate करें, तो वो rotate होने लगें, अगर हम नीचे जाएं, तो नीचे होने लगें, अगर हम ऊपर जाएं, तो ऊपर होने लगें। तो हम कैसे करेंगे इसको? Let's understand and go to studio. Come on. All right. Welcome to studio. So, जब हम को बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को अलग करना है तो सबसे पहले हमें इस बैकग्राउंड को इस फोरग्राउंड से अलग करना पड़ेगा और फॉर दैट हम हमारा सिलेक्शन टूल लेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे हमारी इस एरिया को सिलेक्ट करने के लिए। मैं बहुत फोटोशॉप को कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मेरा काम चल जाता है, लेकिन हाँ इस तरीके से आप अपनी इमेजेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड से। ओके, लेट्स सी अगर कोई हमारे पास चीज़ छूट रही हो। जी हाँ, हमारी मैं इसमें ऐड एफिकेशंस कर सकता हूँ, सो आई विल ऐड अ बिट एंड जितना डिटेलिंग में आप जाएंगे उतने आपकी इमेज की स्मूथिंग मोशन में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस सेक्शन को डिलीट कर देता हूँ और शिफ्ट कमांड वी पे करता हूँ विच इज़ प्लेस्ड इन प्लेस, तो ये आपको जाएगा। नाउ यू सी कि आपके पास एक हल्की सी एज दिख रही है विच वी डोंट वॉन्ट, सो उसके इसमें मैं मेरे स्टैम्प सिलेक्शन टूल से इसको फिलअप कर देता हूँ ताकि नाउ अगेन जितनी रिफाइन तरीके से आप इसको करेंगे उतना आपकी डिटेलिंग इसमें अच्छी आएगी। और ऑलराइट, अब मैं इस पर अगर रखता हूँ तो हमारे पास फोरग्राउंड और हमारा बैकग्राउंड अलग हो गया। आई विल सेव इट इन फोटोशॉप VGN Studio 3 एंड सेव करने के बाद हम ओपन करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, सो अभी फ़िलहाल हम आफ्टर इफेक्ट्स में हैं और नाउ सबसे पहली बात यह कि हम हमारे जो फाइल हैं उसको इम्पोर्ट करें। सो ये हमारी फाइल है, हम इसको इम्पोर्ट करें। इम्पोर्ट करते वक्त ध्यान रखिए कि ये कंपोजिशन पे ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपोजिशन पे करते हैं तो आपको ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों मिल जाता है, और इस केस में हमको दोनों ही चाहिए। सो ऑलराइट, फिर हम एक न्यू कंपोजिशन बनाएंगे और इस न्यू कंपोजिशन में जो हमारी HD सेटिंग है हम उसको अप्लाई करेंगे। ये जो हमने यहाँ किया था इनको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और आप इसको 30% पर कर सकते हैं। दोनों को आपको उठा के इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा ताकि आपकी स्पेस जो है वो कम हो जाए। नाउ एक तरीका तो ये, जब हम हमारा स्पेस को यूज़ करते हैं तो एक तरीका ये है कि हमारे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की जो स्केलिंग है हम उसको चेंज करें, विच इज़
अभी मैंने यहाँ पर स्केलिंग जो है 40% से 38% पे कर दी थी, तो ये हमारा मोशन ऑलरेडी डेवलप हो रहा है। लेकिन इसके लिए, इसको और ड्रामेटिक बनाने के लिए, हम एक कैमरा इंपोर्ट करें या कैमरा डालें, और वो कैमरा जो है वो हमारे पोजीशन और ओरिएंटेशन को चेंज करेगा। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ये 3D स्पेस ऑन हो, विच इज़ ये टॉगल स्विच है जो हमको ज़रूरत है, जिसके कारण से आपको जेड डेप्थ मिल जाती है, आप उसमें वी एक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। ना जब आपके पास ये हो गया, तो हमने एक मोशन तो ये डाला, लेकिन अगर मैं इसमें एडिशनल कैमरा डाल के इसकी मोशन करता हूँ, तो मेरे पास बेसिकली ये कैमरा 3D स्पेस में होता है। ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अब अगर मैं देखूँ तो मेरी कैमरा स्पेस में मुझे मूवमेंट करने रहेंगे, और वो मूवमेंट मुझे इससे मिलेंगे कि मैं अपनी जो फोरग्राउंड है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, मैं बेटर है कि मैं टॉप पोजीशन पर ले जाऊँ। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये मेरा बैकग्राउंड, ये मेरा फोरग्राउंड है। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में डिस्टेंसेस बढ़ गए हैं, इसलिए जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये काफ़ी ड्रामेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा। अब आप इसको जब मूव करेंगे तो ये कुछ और ही ड्रामेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा। सो बेसिकली आप अपनी इमेज को बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटाइज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का लुक आप देना चाह रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं यहाँ पर एक भोपाल की बहुत ही भोपाल से 40 किलोमीटर दूर एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे हूँ, और इट्स अ वेरी गुड प्लेस जो बिल्कुल ग्रैंड कैनियन जैसे लगती है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच दिस इज़ अमेजिंग प्लेस। बेसिकली यहाँ पर आदि मानव रहते थे, और बहुत सारे पुरातत्व की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सो अगर आप भोपाल जा रहे हैं तो 40 किलोमीटर दूर और जाइए, और वहाँ पर आपको ये लोकेशन मिलेगी, एंड डू शूट वीडियोस एंड अमेजिंग शॉट्स आपको मिलेंगे, एंड अमेजिंग फोटोग्राफ्स। अगर आप फोटोग्राफर हैं तो फोटोग्राफ्स आपको मिलेंगे, और अगर आप फोटोज़ लेते हैं तो आप अपनी स्टिल को मोशन में बदल सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्रेस द बेल बटन, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।